गुड मॉर्निंग सब प्यारे बच्चों, आज जो है हम हमारा दूसरा पार्ट देख रहे हैं। निश्चय इस पार्ट का हम अभ्यास कार्य देख रहे थे, तो अभ्यास कार्य में जो है आज हम आगे के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 देखने वाले, तो देखिए नीचे दिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखे। यहाँ पर हमें वाक्यांश दिए गए हैं, इसके लिए जो है हमें एक शब्द लिख कर देना है। यहाँ पर हमें वो शब्द जो शब्द चुनने हैं वो दिए गए हैं। शब्द है जिज्ञासा, दयालु, न्यायप्रिय, दूरदर्शी। तो देखिए पहला हमें करके दिया गया है जिसे न्यायप्रिय हो, उसे क्या कहते हैं? न्यायप्रिय। जिसे न्यायप्रिय हो उसे क्या कहते हैं? न्यायप्रिय। तो लिखेंगे न्यायप्रिय। अगला है जो दूर की सोचे उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, दूरदर्शी। तो लिखिए दूरदर्शी, दूरदर्शी। जो दूर की सोचता है उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। ठीक है, आगे देखिए जानने की इच्छा। ये जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द है जानने की इच्छा, को क्या कहते हैं? जी हाँ, जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। ठीक है, आगे देखिए जिसके हृदय में दया हो उसे क्या कहेंगे? जी हाँ, दयालु। क्या कहेंगे? दयालु, दयालु। इस प्रकार से ये सभी शब्द है जो वाक्यांश दिए गए हैं उनके लिए एक शब्द है। अब देखिए आगे तो देखिए शब्द है उत्तर। उत्तर इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? नीचे दिए शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाएं। हमें शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ समझना और उसके अनुसार क्या है वाक्य बनाना है। ठीक है, उत्तर शब्द कौन सा है? उत्तर। इसका एक अर्थ होता है जवाब। उत्तर का एक अर्थ क्या है? जवाब। और दूसरा अर्थ है एक दिशा है। उत्तर एक दिशा है। ठीक है, तो देखिए उत्तर इस शब्द का जवाब, ये शब्द अर्थ वाला जो है वाक्य कैसा है? बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर दिए, बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर दिए। ये उत्तर यानी क्या? जवाब वाला वाक्य। उत्तर शब्द का जो अर्थ है एक दिशा, इसका जो है वाक्य बनेगा रामलाल अभी अभी उत्तर की ओर गया है। यानी क्या? रामलाल जो है अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गया है। ठीक है, अगला शब्द है फल। दिया गया शब्द है फल। फल इस शब्द का जो है एक अर्थ होता है लाभ। फल इस शब्द का एक अर्थ क्या होता है? लाभ। और दूसरा अर्थ होता है परिणाम। फल यानी क्या? लाभ। और फल का अर्थ होता है परिणाम। तो फल इस शब्द का लाभ या अर्थ वाला वाक्य है परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। और दूसरा है फल यानी क्या? परिणाम। परिणाम इस अर्थ वाला वाक्य कैसा होगा? कल मेरा परीक्षा फल मिलेगा, कल मेरा परीक्षा फल मिलेगा। अब देखिए अगला वाक्य जो हमें बनाना है, ये शब्द है जल। शब्द कौन सा दिया गया है? जल। जल इस शब्द का जो है अर्थ है एक पानी और दूसरा अर्थ है जल जाना। तो देखिए जल इस शब्द का पानी या अर्थ वाला वाक्य है मुझे पीने के लिए शीतल जल दो, मुझे पीने के लिए शीतल जल दो। ठीक है, दूसरा है जल यानी क्या? जल जाना। दुकान में आग लगने से सब कुछ जल गया, मतलब सभी जल गया, ये अर्थ वाला है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों को पढ़कर बताइए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। देखिए नीचे जो है वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन दिए गए। क्या है? रंगीन शब्द है। अब रंगीन शब्द देखकर हमें बताना है कि ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो देखिए वाक्य है एक और दूसरे को लिखना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो देखिए उन्हें फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे लगे। उन्हें फल, फल ये जो शब्द है ये कैसा है? इससे हमें
किस बात का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है या पुरुष जाति का बोध होता है, बताइए। जी हाँ, पुरुष जाति का। ये है पुल्लिंग शब्द, ठीक है। अगला वाक्य है, राजा अपने राज्य का नेता होता है, तो रंगीन शब्द है राजा। राजा ये जो शब्द है इससे हमें किसका बोध होता है, स्त्री जाति का होता है या पुरुष जाति का, जी हाँ पुरुष जाति का। ये है पुल्लिंग शब्द, ठीक है, उनके पुल्लिंग। अगला है, उन्हें भूख प्यास भी लग रही थी। प्यास ये रंगीन शब्द है, तो ये बताइए प्यास ये शब्द कैसा है, जी हाँ स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए आगे, बोधिसत्व ने पके फल खाने के लिए दिए। बोधिसत्व रंगीन शब्द है, बोधिसत्व, बोधिसत्व ने पके फल खाने के लिए दिए। बोधिसत्व ये शब्द कैसा है, जी हाँ पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए, ब्रह्मदत्त की सारी जिज्ञासा शांत हो गई। ब्रह्मदत्त की सारी जिज्ञासा शांत हो गई। जिज्ञासा ये जो शब्द है ये कैसा है, जी हाँ स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग। तो आप ये जो है सभी लिख कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे, प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए शब्दों के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके जोड़े ऊपर की ओर दिए गए हैं, इनके जो उचित जोड़े हैं वो बनाना है, ठीक है। जैसे कि शब्द दिए गए, उत्तर, प्यास, भूख, मूल, जीत, और, तो हमें जो है इसके जोड़े बनाना है। जैसे कि सुख दुख ये जोड़ा, इसी प्रकार अगला शब्द है गुण, गुण दोष, गुण दोष, या फिर गुण अवगुण, गुण अवगुण, ऐसा भी आप बना सकते हो। गुण अवगुण, अगर दोष दिया है तो दोष लिखिए, अवगुण दिया है तो अवगुण लिखिए, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, अवगुण, ठीक है, तो हम लिखेंगे गुण अवगुण। भूख प्यास, भूख प्यास। अगला शब्द है कंद, कंदमूल, कंदमूल, ठीक है। अगला है प्रश्न, प्रश्न इस शब्द का जोड़ा बनाना है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। अगला है हार जीत, हार जीत, ठीक है, इस प्रकार से हमें जोड़े बनाना है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। हमें कुछ प्रश्न दिए गए, उनके विकल्प दिए गए उत्तर के लिए, सही उत्तर चुनकर जो है सही का निशान लगाना है। तो देखिए किस शब्द में द्विप व्यंजन है, हमें ये बताना है कि द्विप व्यंजन किस शब्द में है। तो दिए गए शब्द है न्याय, प्रसन्न, रास्ता, बताइए द्विप व्यंजन वाला शब्द कौन सा है, जी हाँ प्रसन्न, इस पर सही का निशान लगाएंगे। अगला शब्द देखिए, कौन सा शुद्ध शब्द है, अब यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द पहचाना है। ये गए शब्द है स्वादिष्ट, बताइए स्वादिष्ट इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, जी हाँ पहले वाला है ना स्वादिष्ट। आगे देखिए, विश्वास का अर्थ क्या होता है, विश्वास इस शब्द का अर्थ बताना है, तो बताइए कौन सा है, दोष, खोज या भरोसा, बताइए कौन सा है, जी हाँ विश्वास है क्या, भरोसा। अगला शब्द है न्याय, न्याय का विलोम क्या है, बताइए न्याय किस शब्द का विलोम शब्द बताना है, न्याय किस शब्द का विलोम शब्द है, अन्याय, दयालु या न्याय, इसमें कौन सा है, जी हाँ न्याय, अन्याय, इस पर हमें सही का निशान लगाना है। इस तरह से ये सभी प्रश्न है। आगे देखिए, सोच समझ की बात है, सोच के बताना है आपको। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का नाम बोधिसत्व था, इस बारे में कक्षा में चर्चा की। देखिए महात्मा बोधिसत्व जो है, इनका पूर्व जन्म का जो नाम था वो क्या था, बोधिसत्व। जो महात्मा गौतम बुद्ध है उनके पूर्व जन्म का नाम क्या था, या बोधिसत्व है ना। तो देखिए
जो सिद्धार्थ है, जो गौतम बुद्ध है, वो बुद्ध बनने से पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। उससे भी पहले जो उन्होंने जो है अनेक बार जो है बोधिसत्व के रूप में जो है जन्म लिया था। ठीक है, अब देखिए आगे, आपके विचार से इस कहानी का नाम निश्चय क्यों रखा गया? आप भी सोचकर इस कहानी को नया शीर्षक दीजिए। तो बताइए, ये जो कहानी है, इस कहानी को निश्चय नाम क्यों दिया गया है? देखिए, इस कहानी का नाम निश्चय इसलिए रखा गया है क्योंकि जो है राजा ने जाने क्या किया है, निश्चय किया था। क्या निश्चय किया था? वो जो है बोधिसत्व के कथनों को क्या है, परख कर रहेगा। फिर जो है उसने परखा। अब जो है इस वाक्य का, इस जो कहानी है निश्चय, इसका जो है दूसरा जो नया शीर्षक होगा वो क्या होगा बताइए? जी हाँ, संकल्प, यानी क्या, इरादा, या फिर जैसा राजा वैसी प्रजा, ये भी इसका जो है नया शीर्षक हो सकता है, जैसा राजा वैसी प्रजा, या फिर संकल्प। आगे देखिए कुछ करने की बात। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में प्रमुख बातें मालूम करके लिखिए। बताइए, जो गौतम बुद्ध है उनके जीवन के बारे में आपको कुछ मालूम है क्या? तो देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन से ही उनके मन में क्या थी? करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख देखा नहीं जाता था। महात्मा बुद्ध को सारनाथ में सच्चे बोध की प्राप्ति हुई। वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा है। दुख के कारण जो है और निवारण का मार्ग बताया है। अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए कहा है। यज्ञ और पशु बलि की जो है उन्होंने निंदा की है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा, सेवा और त्याग से परिपूर्ण जीवन बिताया है। इस तरह से ये प्रश्न है। देखिए, इस कहानी का नाटक के रूप में अभिनय कीजिए। एक बच्चा और राजा बनेगा और दूसरा बच्चा जो है महात्मा बोधिसत्व बनेगा। अन्य बच्चे जो है प्रजा तथा गाय के मुखौटे पहनकर जो है नाटक का मंचन कर सकते हैं। तो देखिए, इस कहानी, ये तो कहानी है निश्चय, इस पे जो है आपको नाटक दिखाना है। तो आप जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए हम ले लेंगे। तो ये जो है आप स्वयं कर सकते हैं अपने भाई बहनों के साथ। इस तरह से एक पूरा पाठ हमने देखा। इसके आयकर जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।